नशा तस्करों को पकड़ने के लिए खन्ना पुलिस काफी मुस्तैद रही है, जिस वजह से पहले भी कई विदेशी नशा तस्करों को खन्ना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। खन्ना के सदर पुलिस ने एक और नाइजेरियन महिला को 450 ग्राम हेरोइन सहित पकड़ने का दावा किया है। खन्ना के डीएसपी दीपक राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बताया कि एक नाकाबंदी दौरान महिला से शक के आधार पर पूछताछ करने पर उससे 450 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। डीएसपी के अनुसार ये हेरोइन जलंधर के एक यूनिवर्सिटी लेकर जा रही थी। महिला पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। श्री ध्रुव भैया जी आईपीएस एसएसपी खन्ना के दिशा निर्देश अनुसार क्रिश्चियन मॉल के ऊपर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग नाकाबंदी की जा रही है। काफ़ी महीने का उत्तर काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। उत्थे नाकाबंदी की हुई थी तो चौंकी इंचार्ज कोर्ट जगजीत सिंह ने गोविंदगढ़ शहर तो आँदी एक बस की जो रोकना चाहे तो एक नाइजीरियन औरत जिसका नाम जिलियन अबंग है पिछली ताकी उतर के गोविंदगढ़ शहर में जान लगे तो उसने शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी लैन से 450 ग्राम बरामद हुई है, जिसनों पूछगिछ करते पता लग गया कि यह दिल्ली साइड तो आई सी तो जलंधर एल पी जी यूनिवर्सिटी जा रही थी। खन्ना पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। तकरीबन 24-25 के करीब नाइजीरियन फड़े जा चुके हैं जिन्हों तो काफी हैवी रिकवरीज हुई है, तो उम्मीद है अगे भी होंगे रहने। सामने खड़ी है पत्रकार पर कहने के मुताबिक मैंने दिल्ली तो लेके आता। देखो कोई भी मुलजम कभी भी इस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करता, असलियत कोई भी मुलजम कभी एक्सैप्ट नहीं करता, पर पुलिस वालों जी भी कारगिरी की सही की सही रिकवरी है, तो जिस पास आता उस पास पत्रकार कि दिल्ली को इन्हों का जी मेन अड्डा समझा जाए इन्हों का नाइजीरियन का। देखो जिन्हें भी नाइजीरियन पकड़े उन्होंने ज़्यादातर दिल्ली तो आए हैं, उन्हों का एड्रैस भी उसी दिल्ली से रहना अलग अलग इलाके काफ़ी गिनती जी एल पी जी मतलब नाइजीरियन पढ़ते हैं स्टूडेंट करते हैं तो इन्होंने मेन टारगेट है वो नाइजीरियन ने जहाँ बट जो लोकल स्टूडेंट हो सकता है लोकल सप्लाई करते हो इस संबंधी इस तो रिमांड में लेकिन पूछ गिछ करा कि कौन कौन उ खरीदा जारी है।